कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी से शहर से लेकर गांव तक अछूते नहीं है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, आपाधापी का माहौल बरपा हुआ है, लेकिन ऐसी सूरत में भी कुछ लोग हैं जो दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते। ऐसी ही एक शख्सियत पर 24 आवर्स टुडे न्यूज की नजर पड़ी तो सोचा कि ऐसे लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है जो दूसरों की बात करने का जज्बा रखते हैं। उस जिंदा दिल शख्सियत का नाम है अकीलुद्दीन साहब। बात करने पर अकीलुद्दीन साहब ने बताया कि दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। उनका कहना है कि वह आगे भी लोगों की मदद करते रहेंगे। लॉकडाउन के चलते हुए जहाँ चारों तरफ मारामारी फैली हुई है, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, परेशान हैं, काफ़ी हालात खस्ता है, हिंदुस्तान काफ़ी परेशान है। ऐसे हालात में कुछ लोग आज भी हैं जो लोगों के काम आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लालच के। ऐसी एक शख्सियत पर 24 आवर्स टुडे न्यूज़ की नज़र गई और हमने सोचा कि उनसे रूबरू हो और उनको आवाम के सामने लाया जाए ताकि एक मैसेज जाए और एक संदेश जाए कि आज भी लोग हैं ऐसे जो बिना किसी संकोच, बिना किसी लाभ के लालच के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आइए आप बात करते हैं उनसे और आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच से समाज के काम कर रहे हैं और उनके काम आ रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम बात शुरू कर रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे उनका मशवरा। सर क्या नाम है? अकीलुद्दीन, जिला अध्यक्ष आर्ट यूनियन। आर्ट यूनियन के अध्यक्ष भी हैं और लोगों की सहयोग कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे क्यों आप इस लोगों की मदद कर रहे हैं, आखिर ऐसा कहाँ से आपने जज्बा लिया आपने? जी, मैं ऑटो यूनियन अध्यक्ष हूँ और ऑटो यूनियन की वजह से मैं ऑटो वालों की हमेशा मदद की है। मैंने ऑटो चालकों की और ऑटो ऑनर्स की, और आज मैं ग्रामवासियों को, परसों ग्रामवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी गंभीर परिस्थिति में लोग अपने अपने घरों पे नमाज पढ़ें, ये अलविदा की और ईद की, और लॉकडाउन का पालन करें। चैनल के माध्यम से ये देखना चाह रहे हैं कि मतलब सब लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ें ईद की और अलविदा की, और सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद ईद की, अलविदा की। मैं ग्रामवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें।